Assalamu alaikum everyone. I'm Suhaira Sajid, fashion designer, cosmetologist, and host. And today, welcome to PNY Trainings Facebook live show again. अपने प्रोग्राम की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन करवाती जाऊं एज यूजुअल. सो पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर दीज एंटिटीज, पीएनवाई ट्रेनिंग्स, पीएनवाई पिंक एंड पीएनवाई एडवर्टाइजिंग. सो पीएनवाई ट्रेनिंग इज पाकिस्तान्स बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड पीएनवाई हैव अ फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. सो नो मैटर वेयर आर यू फ्रॉम, यू जस्ट नीड टू कॉन्टेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव फॉर रजिस्ट्रेशन एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्ट एंड डिजाइन, मीडिया प्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, अकाउंट स्किल्स एंड मेनी मोर. देन हमारी जो सेकेंड है हमारा ग्रुप, वो है पी एन वाई एडवर्टाइजिंग. तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि समथिंग रिलेटेड टू एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड सर्विसेज. सो इट इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर सर्विसेज टू बिजनेस. सो यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड सर्विसेज बाय टेकिंग हेल्प ऑफ पी एन वाई एडवर्टाइजिंग. एंड द थर्ड वन, मेरी फेवरेट, आप सब गर्ल्स की मोस्ट फेवरेट, पी एन वाई पिंक. और पिंक से पता चल जाता है कि समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स एंड फीमेल्स. सो पी एन वाई पिंक इज डीलिंग इन डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू सेल्फ ग्रूमिंग एंड मेकअप फॉर लेडीज. इस तरह से पी एन वाई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो काम कर रही है और विजन यही है कि बेस्ट सर्विसेज दी जाए मार्केट में. अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूथ एंड डिप्रेशन. मोस्ट हॉट फेवरेट टॉपिक है आजकल के यूथ का, तो हमने सोचा इसी के बारे में बात की जाए. इसके लिए जो आज हमारे सब गेस्ट हैं वो हैं पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर एंड करियर कोच. तो वेलकम करते हैं इमरान मजहर साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो. सर इट्स ऑब्वियसली आवर प्लेजर कि आपने टाइम दिया, इतना अपना जो प्रीशियस टाइम है आज आप हमारे साथ यहाँ पे, और वो सब टिप्स भी शेयर करने वाले हैं जो कि नॉर्मली ऑब्वियसली आप फी लेके और वो इस तरह से जो है आप क्लासेस देते होंगे आप जो हैं, तो आज यहाँ पे आप हैं सबके साथ वो टिप्स देने के लिए. तो हम आपके बहुत थैंकफुल हैं, आपको वार्मली वेलकम करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में. सर सबसे पहले तो बताइए, हम टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, सब चीजें वाली बातें तो करेंगे ही, क्योंकि आज का टॉपिक इतना वाइड है कि हमें वन और हार्डली जो है हम उसमें सब कुछ कवर कर पाएंगे. पहले तो सर बताइए कितने साल हो गए हैं आपको एज करियर कोच काम करते हुए एंड पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर काम करते हुए. जी बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है एसएपी कंसल्टेंसी से, एसएपी ए सॉर्ट ऑफ ईआरपी. तो पिछले 11 साल से मैं एसएपी के साथ वाबस्ता हूँ. तो पिछले 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट और कैरियर कोच की कंसल्टेंसी में. अच्छा, तो जिसमें जी जी सर बोलिए. तो जिसमें देखें, मैं मोस्टली क्या होता है कि कैरियर डेवलपमेंट में या पर्सनल डेवलपमेंट में लोग क्या कर रहे होते हैं, सेमिनार कर रहे होते हैं, तो उसका उस तरह इम्पैक्ट नहीं होता लोगों के ऊपर ना, क्योंकि देखें हर बंदे के अपने अपने डिफरेंट इश्यूज हैं. तो मैं इस प्लान के साथ आया हूँ कि हर बंदे के उसको पर्सनल लेवल पे हम कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं उसको. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के इश्यूज जो हैं, एक वो जो ऑलरेडी एक बंदा प्रोफेशनल है उससे डिफरेंट होंगे, एक जो वो एक लड़की के जो इश्यूज हैं वो एक हाउसवाइफ से डिफरेंट होंगे. तो उस हिसाब से आप वो जो नॉर्मली क्या होता है कि कैरियर डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट में क्या कर रहे होते हैं कि वो एक ही मिक्सचर होता है जो सबको पिला रहे हैं. तो वो कोई वो फोकस नहीं है, वो फोकस अप्रोच नहीं है. तो मैं इस अप्रोच के साथ कि हर बंदे के डिफरेंट इश्यूज हैं, उनको डिफरेंटली एड्रेस करना चाहिए. और कब कर सकते हैं, जब आप पर्सनल लेवल पे जाके आप उनको सुने, उनको समझें, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका डेमोग्राफिक क्या है, और उनका वो किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप उनको एक टेलर मेड सोल्यूशन दे सकते हैं. तो बेसिकली जो मेरा फोकस है वो है कस्टमाइज सोल्यूशन वन टू वन बेसिस के ऊपर. राइट, ये वाकई में पॉइंट की बात है कि नॉर्मली जब इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है तो वाकई में सेमिनार्स की जाते हैं, तो एक ही टेम्पो में सबको गाइड किया जाता है, तो ये बड़ी एक डिफरेंट चीज है. अच्छा सर बताइए, आपको कब फील हुआ कि हाँ इस फील्ड की तरफ आना चाहिए और इस तरह से ट्रेनर बनना चाहिए? क्या आपने भी कोई ऐसा फेज एक्सपीरियंस किया था? डेफिनेटली जी, क्या होता है कि आपके समटाइम जो पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं उन्हीं को जब आप एड्रेस करते हैं, तो उन्हीं को लेके आपको लगता है कि यार इस तरह के तो प्रॉब्लम और लोग भी फेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे सोसाइटी में कोई मतलब कैरियर कंसल्टेंसी कोई नहीं है.
मतलब क्या है कि अगर हमारी जो एक वो क्या कहते हैं बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उनके माइंड में यही होता है कि या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो ट्रू अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते तो उसके बाद फिर किसी और तरफ जाने का सोचते हैं। हालांकि हो सकता है कि उसका एप्टीट्यूड ही ना, वो एक बहुत अच्छा लॉयर बन सकता हो, आपने बिला वजह उसको साइंस पढ़ाई, बायोलॉजी पढ़ाई या मैथमेटिक्स पढ़ाई, या वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हो। तो एक आर्टिस्ट के लिए तो जरूरी नहीं है ना कि वो फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ता रहे बैठ के। वेरी तो ये ट्रू वो बिल्कुल चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने बिजनेस की साइड पे जाना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस के वो कॉमर्स पढ़े, वो इकोनॉमिक्स पढ़े, वो फाइनेंस पढ़े, आप उसे साइंस पढ़ा रहे हैं बैठ के। और जब वो साइंस में फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो अप टू द मार्क वो उतने मार्क्स नहीं ले सका कि किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो जा सके, तो फिर वो लोग लाइन चेंज कर रहे होते हैं। तो देखिए, आपने बहुत सारा टाइम जाया कर दिया, और शायद फिर क्या हो रहा होता है कि मतलब जो चीज मिल रही होती वो लोग कर रहे होते हैं। और हमारे सोसाइटी में तो वो क्या भेड़ चाल वाला साहब, वो ये लोग ये देखते हैं कि किस मतलब कैरियर में ज्यादा पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कजन था, वो उसने कोई एमसीएस कर लिया, वो आईटी की फील्ड में चला गया, तो सारे जो कजन हैं वो सारे उसी फील्ड में चले जाना शुरू हो जाएंगे। आप जब फिर हम लोग जब जब अपने करियर में आते हैं, तो देखें जो हमारा जॉब एनवायरनमेंट होता है उसके लिए हम लोग उस तरह तैयार नहीं होते, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, फिर वहाँ वो पॉलिटिक्स चल रही होती है, लेग पुलिंग चल रही होती है, फिर लोगों को पता नहीं होता कि हम करियर में ग्रो कैसे करेंगे। तो वो डिफरेंट तरह के प्रेशर्स होते हैं जो लोग ले लेते हैं, और फिर सम टाइम कुछ लोग बेचारे वो आगे निकल जाते हैं और कुछ वो उधर ही रह जाते हैं। तो ये वो चीजें थी जो मेरे माइंड में थी कि यार इन और लोग मुझसे हेल्प लेते थे, मैं अपने दोस्तों की, अपने मतलब अजीजों कारब की वो मुझसे राय लेते थे, मैं मशवरा देता था, और अल्लाह का फजल रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो लोगों ने मुझे पुश किया कि आप इस फील्ड में आना चाहिए। तो फिर मैं 4 साल पहले मैं एक बकायदा तौर पे इस फील्ड को मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट में जो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न था, मेरे फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स थे, उनको हेल्प आउट किया, और इसी के साथ ही फिर ये आगे काम चल निकला। मेरा पेज है पर्सनल डेवलपमेंट, इमरान मजर पर्सनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट के नाम से फेसबुक पे, तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल सर. अच्छा सर, बताइए सबसे पहले जो ये आज हमारा टॉपिक है उसमें जो वर्ड है डिप्रेशन, आप डिप्रेशन की डेफिनेशन कैसे करते हैं कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या? अच्छा, पर होता क्या है कि हम बहुत सारे वर्ड्स जो है अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। अब लिटरल मीनिंग कुछ और होते हैं, लेकिन लोग कुछ और समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन एक बहुत बस वर्ड बन चुका है, हर बंदा यूज कर रहा है कि मुझे डिप्रेशन है। बच्चे भी यूज कर रहे हैं, बड़े भी यूज कर रहे हैं, नौजवान भी यूज कर रहे हैं, डिप्रेशन है क्या। और समटाइम्स हम एंग्जाइटी को या सैडनेस को, या आप ये कह सकें कि और किसी फीलिंग को डिप्रेशन का नाम दे रहे होते हैं, क्योंकि शायद हमारी वोकैबुलरी में वो वर्ड्स ही ना हो और प्रॉपर तरीके से हम उनको एक्सप्रेस ही ना कर पा रहे हो, तो हम उनको डिप्रेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, बेसिकली जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज क्लासिफाइड एज अ मूड डिसऑर्डर। और इसमें होता क्या है कि आपको सैडनेस फील हो रही होती है, आपको सम काइंड ऑफ लॉस फील हो रहा होता है, और आपको इट कैन लीड टू मेनी वराइटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम, एंड इट कैन डिक्रीज योर एबिलिटी टू फंक्शन एट वर्क प्लेस और एट होम। और होता क्या है, अब दो चीजें, हम डिप्रेशन को कहते हैं अननेचुरल सैडनेस या प्रोलॉन्ग सैडनेस। अच्छा, अब सैडनेस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अजीज, कोई लव्ड वन फोत हो गया, दुनिया से चला गया, तो उसका जो एक गम है, एक सैडनेस है, वो नेचुरल नेचुरल सी बात है। वो इसका एक हर बंदे के लिए एक टाइम फ्रेम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 1 महीना, 2 महीना, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो कम होना शुरू हो जाता है। या इस तरह क्या होगा, किसी को डाइवोर्स हो जाती है, या किसी की जॉब चली जाती है, या किसी को कोई इकोनॉमिकल इश्यूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो सैड होता है। तो देखिए, ये एक नेचुरल कॉज है, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहे, और तो ये क्या है, वो डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, और इट कैन लीड मेनी अदर प्रॉब्लम्स।
अच्छा सर, ये भी आपने कहा कि अगर ये जो सैडनेस ही एक स्पेसिफिक टाइम तक रहे तो उसके बाद ही उसमें भी करना, वो कितना, वो टाइम स्पेंड कितना है कि वो कितने टाइम के बाद जो है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, कि कब हमें अलार्मिंग ये सोचना चाहिए कि हाँ इतना टाइम अब गुजर गया, ये कंडीशन ऐसी ही है स्टैटिक फॉर्म में, तो देन जो है उसको हम कहें कि अब भी डिप्रेशन की साइड। देखें, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम डिप्रेशन को और सैडनेस को वो क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर रहे होते हैं। अब डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये डिप्रेशन है या आपको सैडनेस है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें ये क्या है कि कुछ मूड रिलेटेड है, मतलब क्या आप बिला वजह एंगर फील कर रहे हैं, अग्रेसिवनेस फील कर रहे हैं, इरिटेशन फील कर रहे हैं, एंशियसनेस फील कर रहे हैं या रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, तो ये मूड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि आपको डिप्रेशन का इश्यू है। फिर इमोशनल वेलबींग के इश्यूज हैं कि आप इम्पिटीनेस फील कर रहे हैं, आप बिला वजह होपलेसनेस हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं। या अगर हम बिहेवियर में देखें तो फॉर एग्जाम्पल, जिन एक्टिविटीज में आपका पहले बहुत इंटरेस्ट था, तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। यू नो लॉन्गर फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग That which are your favorite in the past, but that are not very interesting at this point of time. So sometimes are you feeling tired easily? Thought of suicidal tendencies हो जाती हैं लोगों में, फिर लोग ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। या अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा था तो एक्सेसिवली स्मोकिंग स्टार्ट कर दे, और फिर उसमें है कुछ कॉग्निटिव रिलेटेड है, कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज के आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, डिफिकल्टी टू कंप्लीटिंग द टास्क। फिर ये है डिलेड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, फॉर बात करते करते बंदा खो जाता है। तो उसके अलावा फिर स्लीप पैटर्न है आपका। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल स्लीप लेते थे 6 घंटे 7 घंटे, आप एक्सेसिवली सो रहे हैं, या आपको इनसोम्निया का मसला आ रहा है, तो ये भी एक वो सिम्टम है कि आपको डिप्रेशन है। फिर उसमें कुछ आ जाते हैं फिजिकल वेलबींग, फॉर एग्जाम्पल आपको फटीग फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, हेडेक फील हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये जो है ये सारे वो एक ना डिप्रेशन की तरफ, आप ये सारे सिम्टम आपको डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहे हैं। कि जो पर्सन है या अगर आप में है तो ये सारे सिम्टम जो डिप्रेशन के सिम्टम। अच्छा, इस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी पड़ा है कि जब इस तरह किसी के सिम्टम्स सुनते हैं तो कहते हैं ये भी हमें हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और फिर सेल्फ एक डायग्नोज करने वाला सिस्टम होता है, कहते हैं ये तो हमें है ये। अच्छा, खुद बेटर इंसान कर सकता है डायग्नोज, या कोई और पर्सन जो है वो ज्यादा बेटर कर सकता है? देखें, अगर तो कोई है जिसकी वो शुरू से लो सेल्फ स्टीम है और वो हमेशा सेल्फ क्रिटिकल है, तो उसका तो समझे कि ना वो इन बिल्ट और बाय डिफॉल्ट इशू है उसका डिप्रेशन वाला। तो ऐसे लोग तो डिप्रेशन बहुत जल्दी कैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, के एक खातून है, उनकी डाइवोर्स हो जाती है, तो वो पहले वो उसको मतलब बहुत बहुत बड़ा अलमिया है खातून के लिए कि उनकी डाइवोर्स हो जाती है। तो वो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने, ये भी पर्सन टू पर्सन का डिपेंड करता है। हम किसी के ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते कि डाइवोर्स है तो 4 महीने तक गम होना चाहिए, इसके बाद कोई गम ही नहीं होना चाहिए। तो अगर उनको फील होता है कि उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो लूज होना शुरू हो गए हैं, और उनको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ही वो क्या फजूल है, तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और एक तो ये है कि उनको खुद पता होना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता किसी में वो सिचुएशन आ गई कि उसको समझ ही नहीं पा रहा, तो जो उसके अजीजो अकारब हैं, करीब के लोग हैं, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके बहन भाई हो गए, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जब आपको लगे कि जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास रुजू करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अभी जो आपकी बात से मुझे ये समझ में आया है कि डिप्रेशन की कोई रीजन नहीं होती, विदाउट एनी रीजन भी हो जाता है डिप्रेशन, इंसान डिप्रेशन में चला गया। बेसिकली ये मूड डिसऑर्डर है ना। अब आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हैं, आप बीमार हो गए 5 दिन के लिए, आप
बिस्तर पे पड़ गए, आपको बेड रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने, तो इवेंचुअली सी बात बात है कि आपको वो थोड़ी सी थोड़े से ना वो डिप्रेशन सा हो जाएगा, लेकिन वो एक नेचुरल डिप्रेशन, मतलब आप अनइजी फील कर रहे हैं कि यार मैं कब इससे जान मेरी छूटेगी। और मैं फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता इन दिनों आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को कोविड का इशू हो रहा है, तो उनको क्या है कि वो 14 डेज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। तो वो देखे जो उस कंडीशन में अगर कोई बंदा डिप्रेस हो जाता है तो एक नेचुरल चीज है कि वो बंदा बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया। एक बंदा जो अपनी हेल्दी रहा था लोगों के साथ, तो उसको कहा गया है कि बिल्कुल ही तुम सेपरेट, उसको लगता है कि मैं कोई सम काइंड ऑफ अछूत हूं। तो ये नेचुरल चीज है। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप फॉर एग्जांपल अगर कोई मैरिड आदमी है तो उसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल बिल्कुल सेट है, उसकी जॉब बिल्कुल सेट है, उसको कोई इश्यूज नहीं, लेकिन फिर भी वो सैड फील कर रहा है, तो इट मींस कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। सही सर। अच्छा सर, हम समटाइम जो लोग हैं, कोई अगर डिप्रेशन का शिकार है तो वो इस वजह से भी वोकल नहीं होता है, एक्सप्रेसिव नहीं होता है कि लोग उसको पागल कहेंगे। ये भी बड़ा एक टैग लग जाता है कि समझा जाता है कि अगर डिप्रेशन में कोई है। अब इस डर से भी बहुत से लोग नहीं बताते कि हमें ये ऐसा फील हो रहा है या हमें कुछ चेंज, हम अपसेट हो रहे हैं। अब उस कंडीशन में लोग जो हैं वो अपने ऊपर एक उन्होंने मास्क चढ़ाया होता है हैप्पीनेस का, वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। जैसा कि हम देखते भी रहे हैं कि बहुत से सेलिब्रिटी, हमें अचानक एक न्यूज़ आती है कि उन्होंने सुसाइड कर ली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। अब ऐसी सिचुएशन में हम अपने इर्द गिर्द के जो हमारे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में लोगों को किस तरह हम डायग्नोज कैसे करें कि हमारे पास जो रहने वाला कोई पर्सन वो डिप्रेशन का पेशेंट है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप देखते हैं कि आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर कोई अननेचुरल सा बिहेव कर रहा है जो जो कि पास्ट में वो नहीं किया करता। फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत गुस्सीला है वो, और आपको पता है वो बचपन से ही ऐसा है, तो मतलब आपके लिए तो वो कोई नई बात नहीं है। या एक बंदा है कि वो बहुत ही वो इंट्रोवर्टेड सा है, वो लोगों के साथ सोशलाइज होना पसंद नहीं करता, तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन एक बंदा आप समझते हैं कि वो बहुत ही वो सोशलाइज होना पसंद करता था, बहुत ही मतलब लोगों के साथ घुलने मिलने वाला, दोस्तियां बनाने वाला आदमी था, तो एकदम से अगर वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड सा हो गया है, वो लोगों के साथ सोशलाइज होना पसंद नहीं कर रहा, तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपको सिग्नल देती हैं। और उस टाइम जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको उसकी केयर करनी चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उसको ट्राई टू फाइंड आउट के व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सही, बिल्कुल सही सर। हमें इसके जो सिम्टम्स तो पता चल गए कि क्या हैं, कौन सी अलार्मिंग ऐसे साइन हैं कि एक तो इंसान आइसोलेट होना शुरू कर देता है और ऐसे जो मूड स्विंग्स होते हैं और विदाउट एनी रीजन भी इरिटेशन एक पर्सन में फील हो रही है, तो अलार्मिंग सिग्नल है, हमें उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि समथिंग अननेचुरल हो रहा है। इसके जो कॉज हैं वो हमें समझ में आया कि जो है विदाउट एनी रीजन भी ये हो सकता है, और समटाइम अगर कोई सैडनेस है लॉन्ग टाइम के लिए है तो वो भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है। अब जो हमारी यूथ है, हमारी यूथ इस टाइम पे जो आजकल के दौर में वो समझते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी एक ज्यादती हो रही है कि एक तो वो उन्होंने अपना कैरियर सेट करना है। बहुत से हमारे यूथ के मेम्बर ऐसे हैं कि जिन्होंने स्टडीज की बहुत इतने लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं, बट अब क्या है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद से जो प्रोफेशंस के मोड हैं वो चेंज हो गए, तो यूथ इस टाइम पे बहुत डिप्रेशन में है। नॉर्मली कहा जाता है, हमारे बड़े जो होते हैं घर में वो कहते हैं कि समझा जाता है कि अगर एक यंग पर्सन है, टीनेजर है, और देन उसके बाद से लेकर 35 की जो एज होती है, तो बड़ी यंग एज के लोग हैं, इनको क्या फिक्र परेशानी। जबकि देखा ये गया है कि इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। एक तो उनको ये होता है कि हमने अपना कैरियर सेट करना है, एक वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, फिर उन पर प्रेशर होता है सोसाइटी का, फिर कई चीजों का प्रेशर होता है कि हमने इसको किस तरह से हल करना है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो यूथ का एक डिप्रेशन है, क्या इसको सीरियस लिया जाता है या नहीं लिया जाता? एक्चुअली मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टडीज कंडक्ट की और उसकी बेस के ऊपर कुछ सर्वे हुए। सबसे कम जिन लोगों को डिप्रेशन था वो थे 60 एंड अबव, मतलब वो जो ऑल सिटीजन थे। अच्छा, उन वो लोग उस ब्रैकेट में सिर्फ 10% लोग आते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो लोग
डिप्रेशन का शिकार थे वो थे जो फ्रॉम 15 to 25, इस ब्रैकेट में लोग जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार थे। और आपको ये भी पता है कि किसी भी नॉर्मली जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हमारे जो पॉपुलेशन का एक बड़ा चंक है वो ये लोग हैं जो 15 to 25 है, तो उसके मुताबिक 25% लोग जो थे वो डिप्रेशन का शिकार थे। अच्छा, अब होता क्या है कि जिस तरह जमाना बदल रहा है, आपको पता है कि ये एक टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज है, तो इसमें चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। तो क्योंकि इन चीजों से जो इन चीजों की जो इंफॉर्मेशन है और ये जो टेक्नोलॉजी की बम्बार्डमेंट हो रही है, तो जो फ्रंट लाइन पे लोग इसको फेस कर रहे हैं वो ये यूथ के लोग हैं जो 15 to 25 हैं। और ये मतलब हर 2 से 3 साल बाद बहुत बड़ा एवोल्यूशन आ रहा है, तो इस वजह से ये लोग जो इसकी फ्रंट लाइन पे हैं और सबसे ज्यादा ये इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब हम यूथ की बात करें कि यूथ को क्या प्रॉब्लम है, और वो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये टीनेज की यूथ है, और या ये जो अबव 20, ये लेस देन 25, तो इसमें 6-7 बहुत ही मेन इश्यूज जो मैं चाहता हूं कि डिटेल में, क्योंकि हमारा टॉपिक भी आज यूथ के हवाले से, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहली चीज है एकेडमिक प्रॉब्लम। देखें होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में हम जो पेरेंट्स हैं वो अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन अपने बच्चों की तालीम के ऊपर लगा रहे होते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हम उनकी तालीम पे लगा रहे हैं तो ये हमें आउटपुट भी उस हिसाब से दें, तो बच्चों पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो अच्छे ग्रेड्स का बहुत बड़ा प्रेशर। सबसे ज्यादा जो हमारी सोसाइटी में प्रेशर है वो ये 16 साल से लेके 18 साल के बच्चे फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो एज है जो FSC के बच्चों की, और इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आपने बहुत ग्रेड, अच्छे ग्रेड लेने हैं। और अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखें कि हर साल मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का मेरिट हर साल बढ़ जाता है, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर बच्चे ले रहे हैं, माशाल्लाह बहुत जहीन बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं। लेकिन ये देखें, ये सारे बच्चे नहीं ले रहे, बहुत सारे बच्चे जो कामयाब नहीं हो पा रहे, और वो नाकाम नहीं होते, उनके भी माशाल्लाह नंबर 70%, 80%, 90% नंबर वो ले रहे होते हैं, लेकिन उनके नंबर इतने नहीं है कि वो किसी भी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो पब्लिक सेक्टर में हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, वहां एडमिशन हासिल कर सके। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, और माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत मेहनत की होती है, ट्यूशंस भी पढ़ी होती हैं, और बेचारे रातों को उठ उठ के, मैंने खुद FSC की है, मैं इस फेज से गुजरा हूँ, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो हम इस फेज से गुजरे हैं कि लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, सुबह को उठ के पढ़ रहे होते हैं, फजर से भी पहले लोग उठ जाते हैं, लेकिन क्या है, बेचारे वो कूप अप नहीं कर पाते, वो उतने मार्क्स नहीं ले पाते। फिर ये होता है कि आप फिर, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप अगर top 5 में या top 10 में नहीं है तो आपकी जो डिग्री है वो बिल्कुल वर्थलेस किस्म की वो समझी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो सबसे बड़ा प्रेशर जो हमारे यूथ पे है वो ये ग्रेड रेस है, ग्रेड रेस जो है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, इसी के साथ ही जो इसके साथ इंटरकनेक्टेड है वो पेरेंटल प्रेशर। हमारे यूथ को जो सबसे बड़ा प्रेशर मिल रहा है वो अपने पेरेंट्स की तरफ से मिल रहा है, और पेरेंट्स ने बच्चों को एक एज ए प्रोडक्ट बना दिया है कि भाई हमने आप लोगों पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अब अब्बा जी रोज आके बता रहे होते हैं कि बेटा हमारे पास तो ये नहीं होता था, तुम्हें ये भी लेके दिया हो, तो तुम्हारी आउटपुट क्या है? बिल्कुल ऐसे। वो देखा तुम्हारे मामू का बेटा, वो देखो वो उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी गम होता है कि हम तो किसी और क्रिएटिव प्रोफेशन में जाना चाहते थे, ये स्टडी तो हम करना ही नहीं चाहते थे, वो तो फोर्सफुली कर रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड कहीं वो भी एक दुख होता है कि हमने तो वो करना था, हमने तो उस फील्ड में जाना था, हमें वहां नहीं जाने दिया गया। देखिए हमारी सोसाइटी में तो ये लग्जरी ही नहीं है ना कि स्टूडेंट सोचे, घर वाले कहते हैं भाई सोचने का काम तो हमारा है। क्योंकि आप देखें हमारा जो हमारा स्टडी पैटर्न है ना, वो भी हम क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का वाला तो हमारा पैटर्न ही नहीं है ना। हमारा तो ये है कि बच्चे को बता दिया जाता है कि भाई ये पटड़ी है, इसके ऊपर तुमने दौड़ना है, और क्योंकि
हमने तुम पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और बार बार उसको पिंच किया जाता है, बार बार उसको ये रियलाइज करवाया जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है तुम पे, तो भाई ये तुमने इसको पे ऑफ करना है किसी ना किसी तरीके से। और सोचने वाली बात है, सम टाइम पेरेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह खुद इतने लाइक फाइक नहीं होते, लेकिन वो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मतलब किसी, वो चलो डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर साहब अगर अपने बेटे को बोले तुमने डॉक्टर बनना है तो वो चलो ये माना जा सकता है कि क्योंकि वो खुद डॉक्टर है तो इसलिए चाहते हैं वो डॉक्टर बन जाए। तो एक साहब जो उन्होंने मुश्किल से प्राइवेट मतलब कोई बी ए एम ए किया है और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर वो किसी यूईटी या किंग एडवर्ड में एडमिशन ले, तो वो ये नहीं सोच रहे कि देखे जेनेटिकली भी तो कुछ अफेक्ट है ना। लेकिन वो प्रेशराइज किए जा रहे हैं, प्रेशराइज किए जा रहे हैं। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है, पेरेंटल पेरेंटल प्रेशर जो है, जिसकी वजह से जो हमारी यूथ है वो ये डिप्रेशन का शिकार हो रही है। थर्ड नंबर पे पीयर प्रेशर। देखें हमारे जो क्लास फेलोज होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो देखें वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग कर रहे होते हैं। और होता क्या है कि बच्चों में आप जिस तरह ये हम देखते हैं कि सिर्फ मुकाबलेबाजी का रुझान बड़ों में नहीं, बच्चों में भी आजकल बहुत आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, एक क्लास का जो अमीर बच्चा है, वो एक आईफोन लेके आ रहा है, जब उसके मुकाबले में बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जो जिनके माँ बाप मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से वो फीस ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो उनको वो लग्जरी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों की छुट्टियों में या वैसे जो हॉलीडेज होती हैं उसमें लोग क्या, जो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और माँ बाप ने शायद बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के वो उनकी फीस अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो दोस्त हैं, जो उनके क्लास फेलोज हैं, वो तो शायद फॉरेन ट्रिप्स लगा के आए हैं और वो बेचारे मरी भी ना जा सके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। वो इस प्रेशर की वजह कुछ कर कुछ नहीं सकते। अगर वो अपने पेरेंट्स को जाके बताएंगे भी तो वो कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता तुम्हारी फीस कैसे दे रहे हैं, तो तुम आगे हमें ये बातें बता रहे हो। सर यहाँ पे हम साथ साथ अपने कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं, सब जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी पार्ट बन रहे हैं हमारे सेशन का। और जो है आजम इकबाल कह रहे हैं वेरी वेल डन, आयशा कह रही है इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, शेख सुल्तान महमूद कह रहे हैं पीएन बाई गुड, थैंक यू सो मच, असदुल्ला खान कह रहे हैं, और डिप्रेशन बाज दफा अल्लाह की नेमत होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है, तरबियत में दीन से दूर रखा जाता है। अच्छा, ये मतलब रिलीजियस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं। मौज़म अली कह रहे हैं माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी स्टॉप आवर यूथ फ्रॉम बीइंग विक्टिम ऑफ दिस मोबाइल यूसेज एंड सोशल मीडिया, वी सी लॉट ऑफ टीनेजर एंड किड्स दिस डेज स्पॉइलिंग देयर पर्सनल लाइफ, हेल्थ एंड इवन एजुकेशन एंड कैरियर ड्यू टू दिस एक्सक्लूसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। वो कह रहे हैं कि एक्सेसिव जो यूज है सोशल मीडिया का, ये जिसकी वजह से ये भी डिप्रेशन में ले जाता है। समटाइम जो हम सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअल उनकी लाइफ में वो नहीं होती, वो इतनी ज्यादा चार्मिंग होती है कि देखने वाला उससे भी डिप्रेशन में चला जाता है। और ये जो एक्सेसिव यूसेज की वजह से भी ये सब चीजें हैं जी, ये पीयर प्रेशर में ही आता है। देखें, अगर आपने अपने दोस्तों को फेसबुक पे ऐड किया हुआ है और वो जाके फॉर एग्जांपल वो माशाल्लाह वो एक वेल ऑफ फैमिली से हैं और वो यूके यूएसए का ट्रिप लगा के आए हैं और वहां वो सेल्फी लेके वो टैग कर रहे हैं और वो कहते हैं फीलिंग ऑसम, तो आप तो फीलिंग ऑसम नहीं कर रहे हैं ना इधर बैठ के, आप तो मरी भी नहीं जा सके। हालांकि आपके अब्बा जी ने बड़े अरसे से आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको, क्योंकि देखें अगर फॉर एग्जाम्पल समटाइम होता क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, अगर बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं तो पेरेंट्स को तो छुट्टियां नहीं हो रही ना। और समटाइम अगर बहुत सारे लोग जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं तो उनको उस टाइम उनके लिए वो हॉलीडेज नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि वो बच्चों को लेके नहीं जा सकते। दूसरा सबसे बड़ा इश्यूज ये है कि हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास लोग जो हैं अपनी इनकम का 40% to 60% बच्चों की एजुकेशन के ऊपर लगा रहे हैं। तो इट मींस कि अगर आप 40% to 60% बच्चों की एजुकेशन पे लगा रहे हैं तो आपके पास क्या बच रहा है, 40%। तो 40% में आप सिर्फ दाल रोटी चला सकते हैं, आप उनको दो टाइम का खाना ही दे सकते हैं, उनको कोई लग्जरी नहीं दे सकते कि आप उनको कोई एंटरटेनमेंट भी दें या उनको कोई ट्रिप्स भी लगवाएं। तो होता क्या है कि ये चीज भी पीयर प्रेशर में आ जाती है।
और पीयर प्रेशर ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप ये देखें कि बहुत बहुत सारे लोग जिनको शायद सेल्फी लेना भी सही तरह से ना आता हो और जो शायद सेल्फी लेना भी ना चाहते हो, लेकिन वो मजबूरन लगा रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं शायद अशरे में कोई एक इज्जत वाला मकाम हासिल कर सके। और शायद सम टाइम आपने देखा बहुत सारे लोग जो हैं जो रॉन्ग प्लेसेस को वो ऐड कर रहे होते हैं, हालांकि वो वहां गए भी नहीं होते। तो ये भी एक कल्चर जो है हमारा हिस्सा बनता जा रहा है, और ये मुनाफकत जो ये हमारी सोसाइटी में वो सराहियत करती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे वो प्रॉब्लम जो हमारे बुजुर्गों को आज से 30 से 40 साल पहले नहीं थे, हम वो भी फेस कर रहे हैं ये सोशल मीडिया की वजह से। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला है जो यूथ का, वो है बुलिंग। देखिए होता क्या है, हमारी सोसाइटी में ये कल्चर बन चुका है कि 3-4 लोग मिलते हैं और एक बेचारे शिकार को ढूंढते हैं। शिकार या विक्टिम वो है जो अपना डिफेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल लड़कों में तो ये चीज बहुत आम है, मतलब 3-4 लोग मिल जाते हैं और एक बंदे को बैठ के झुकते मारना शुरू कर देते हैं और सारे उसके ऊपर बैठ के हंस रहे हैं। ये हमारा देखें, ये अगर आपने बच्चों में क्या होता है, बच्चों में बचपन से, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाया नहीं ना जाता, हम बच्चों को रोकते नहीं है, क्या करेंगे 3-4 बड़े बच्चे मिलके छोटे बच्चे को तंग करते हैं, तो वो वही आदत उनकी वो ग्रो कर जाती है। जब वो कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल पे, और आप ये देखें कि बुलिंग इतना बड़ा वर्ल्ड ओवर इशू बन चुका है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी को उसके वेट की वजह से या उसके कलर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा कल्चर है ना कि अगर अगर आपका रंग गोरा नहीं है तो आप तो इज्जतदार नहीं समझे जाते। वो अजीबोगरीब ना लोग नाम रख देते हैं, कालू रख दिया, कुछ इस तरह करके नाम रख दिया। तो अब इसमें सर आप किस हद तक समझते हैं? देखिए जैसे अभी आपने कहा कि कॉम्प्लेक्शन को लेके या किसी एक चीज को लेके बॉडी शेमिंग होती है, फिर वो जो अपने प्रोफेशन में चाहे कितना भी परफेक्टली काम कर रहे हो वहां पे आकर उनका कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। अब ये तो इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, आप देखिए कि जब हमें कमर्शियल्स अलाउ किए जा रहे हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा तो ही आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ये सिस्टम का कितना अमल दखल है? और यूथ जो है वो एक्चुअली वो जब से उसने होश संभाला है, जब यही चीजें इंसान देखता आता है तो उसका माहौल का भी तो असर इतना ज्यादा हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाती है माइंड में चीजें कि शायद ही इसी तरह से ही है और हम शायद इस काबिल नहीं है कि इसमें हम स्टैंड कर सकें। देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए ना हम उसको पिन पॉइंट या फोकस ओरिएंटेड जो है उसका कोई फिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी से डिप्रेशन खत्म करें तो इसके लिए कोई एक कोई ड्रग नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है या कोई एक फार्मूला नहीं है कि हम उसको दे दें और उसका डिप्रेशन खत्म हो जाए। देखें अगर किसी सोसाइटी में गोरे रंग को इनकरेज किया जा रहा है और कालों को डिस्करेज किया जा रहा है और आपने पूरी कमर्शलाइजेशन इंडस्ट्री बना दी है पकड़ के, आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में 300 से ज्यादा लोकल क्रीम है रंग गोरा करने वाली जो रजिस्टर्ड है, देख लें अब आप बिल्कुल। और उसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें मार्केट में इसकी डिमांड है तो लोग बना रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल ये गोल्डन पर्ल, फाइजा ब्यूटी क्रीम और इस जैसे बहुत से जो मिलते जुलते नाम है, बेसिकली ये एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन को बहुत सीवियरली डैमेज करते हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। और वो अब गोल्डन पर्ल एक छोटे से शहर चिचावतनी से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ग्रो किया है और उसके साथ ही ये और बहुत सारी क्रीम आई है। तो क्यों आई है? वो इस वजह से कि आप ये सोसाइटी में गोरे रंग को इनकरेज किया जाता है। अब आपकी सोसाइटी में नॉर्म बन गई है फॉर एग्जाम्पल कि जिस रंग लड़की का रंग गोरा नहीं है तो उसकी तो जिंदगी उसको वो कर रहे उसको जीने का हक ही कोई नहीं ना, उसका कोई उसको ढंग का रिश्ता मिलना है। और वो अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत पढ़ लिख भी जाए उसको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। अब हमारी सोसाइटी में ये बात लोग मानते नहीं है कि भाई इस तरह के कोई इश्यूज हैं, लेकिन इवन ये है कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है तो आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाएगी।
स्पेशली अगर आपने मार्केटिंग मार्केटिंग में जॉब करनी है या किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही चीजों को, तो चीजों को ओवरऑल फिक्स करना पड़ेगा, तो फिर जाके आप ये इश्यूज फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ एक या दो चीजों को पकड़ के आप फिक्स करना चाहें तो वो फिक्स नहीं होंगे। बिल्कुल, और अभी आपकी बात से जो किसी नतीजे पे अगर पहुंच रहे हैं हम, तो वो यही है कि मींस उस पर्सन के डिप्रेशन में जाने की रीजन तो बाकी सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, या वो एटमॉस्फेयर है, या वो माइंडसेट है जो उसको डिप्रेशन में ले जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें फिर उसमें होता क्या है कि लोग इसके लिए क्विक फिक्स ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग वो मतलब बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हैं, सोशल होना छोड़ देते हैं। अब हमारी सोसाइटी में मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जिनका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं। क्यों? वो वजह ये है कि लोग जज करते हैं, वो अपनी किसी को अपनी फीलिंग अपने इमोशंस किसी को बता नहीं सकते। फ्रेंड्स तो एक तरफ रह गया, आपके हमारे घरों में ये सिचुएशन होती है कि इवन बहुत सारे लोग शायद इस बात से अग्री ना करें, लेकिन अगर चार बच्चे हैं और चार बच्चों में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसकी घर में वो ज्यादा चलती है, उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और ये भी तो होता है चार बहने लड़का लड़की में, हाँ बिल्कुल, ये भी एक आ जाता है कि लड़का लड़की में भी बेटा है तो ये जो भी कह लेगा ठीक है, समटाइम बेटी को किया जाता है कि नहीं, ये भी चीजें होती। एग्जैक्टली अब मुझे बताएं कि जिस घर में हमेशा बेटा बेटे को लेके उसको प्रेफरेंस दी जाती है और बेटी को हमेशा डिस्करेज किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं वो कैसे वो एक सुपर अचीवर बन सकती है? तो वो क्या डिप्रेशन में नहीं जाएगी अगर वो कुछ सोच रखती है? तो ये देखें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो एक मिल के एक वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको और हम इनको फिर कोई नाम दे देते हैं कि ये इस वजह से, ये इस वजह। देखिए हम कॉज एंड सिम्टम्स तो बता सकते हैं कि डिप्रेशन होगा तो उसके ये सिम्टम्स होंगे, उसके ये कॉजेज होंगे, लेकिन जब तक चीजों को फिक्स नहीं करेंगे तो वो आप उसको सही तरह फिक्स नहीं कर सकते, तो क्विक फिक्स ही होगा। बिल्कुल। अच्छा सर ये देखिए, अब एक तो चीज होगी कि डिप्रेशन जो है वो घर से निकल रहा है, एक एटमॉस्फेयर है, एक लड़की है या कोई ऐसा लड़का है जो स्टार्ट से ही घर से उसको इस तरह से कहा जाता है, किसी भी वजह से वो है डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ फैमिली। अब वही पर्सन जब स्टेप आउट करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया, उसने आके अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की, अब वो ऑलरेडी उसका शिकार है और वो उसी के साथ उसको लग रहा है कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कुछ वहां पे जाके अच्छी प्रेजेंटेशन दे सके या कुछ भी इस तरह की चीज कर सके, देन आप ऐसी सिचुएशन में क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि जैसे अब हमारी यूथ है, हम यूथ के डिप्रेशन की स्पेशली बात कर रहे हैं कि जो यूथ है वो उसको किस तरह से फिर डील करे इस सिचुएशन को, और क्या ऐसी चीजें जिससे करके इससे बचा जा सकता है? देखें डिप्रेशन के लिए सबसे जरूरी तो ये है, जिस चीज को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, कि हमारा पर्सनल लेवल पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार ऐसा लाजमी होना चाहिए जो आपका हमराज हो, जिसके सामने आप बगैर कुछ सोचे समझे उससे बात कर सकें और वो आपको जजमेंटल हो के आपको आपके बारे में कोई राय ना कायम करे, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों को जब ये नहीं होता तो वो क्या होता है, आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते, वो चाहते हैं हम लोगों के पास जाएं, लोगों में बात करें, लेकिन लोग जब लोग जाते हैं लोग बुलिंग करते हैं, उनको जज करते हैं, उनको पागल कहते हैं इस तरह के। लेकिन देखें किसी भी सोसाइटी कोई भी हो, किसी भी इंसान को कामयाब बनाने का सबसे बड़ा फर्ज जो उसका उस इंसान का अपना है, आपको खुद अपने आप को कामयाब बनाना है, आपको खुद अपने आप को सेफ करना है। आप ये जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाल सकते कि फलां बंदा आके मुझे बचा ले, उसने ऐसा नहीं किया। देखें आप हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने प्रॉब्लम सबसे पहले खुद फिक्स करना पड़ेंगे। हम में से हर किसी को पता होना चाहिए कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, डिप्रेशन के काजेज क्या होते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता हम में से अगर कोई उसमें इंडल्ज होता है या कोई आपको ये फील होता है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूं, तो आपको पता भी होना चाहिए मैं उससे कैसे निकल सकता।
देखिए डिप्रेशन के जो सीवियर केसेस हैं उसके लिए तो आपको मेडिकल हेल्प लेना पड़ती है, आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, उसमें उसमें सम टाइम आपको मेडिकेशन भी लेना पड़ती है, फिर उसमें कुछ थेरेपीज हैं वो भी लेना पड़ती हैं आप। लेकिन हम उनकी तरफ नहीं जाते, हम नॉर्मल केस नॉर्मल सिनेरियो में बात करते हैं कि अगर कोई कोई इंसान फील करता है और वो समझता है, पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई इस तरह की हेल्प मौजूद है कि आप किसी से बात कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको अपने लेवल पे इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। ये आपकी जिंदगी है, इसको बेहतर बनाना, इसको बचाना सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपको बचा लेगा, कोई आपको रेस्क्यू कर लेगा, ये सबसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो अगर आप इनको यूज करें तो आपको बहुत फायदा देती है। सबसे पहली चीज वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की हो, अगर आप जिम जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप कोई और कोई एक्टिविटी साइकिलिंग कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं आप करें। आप घर में घर से निकलें 30 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, घंटे के लिए घर से निकलें, किसी पार्क में जाएं, किसी खुली जगह पे जाएं, लंबे लंबे सांस लें, और कुछ नहीं तो स्पीड वॉक करें, अकेले करें, अगर आपके साथ कोई नहीं भी आ रहा जाएं। देखिए ये आपकी जिंदगी है, इसको बचाना, इसको संवारना, इसको बेहतर बनाना आपकी ही अल्टीमेट जिम्मेदारी है। आप किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि कोई मुझे वॉक पे लेके जाए, कोई मुझे लेके नहीं जा रहा, यार आप खुद जाएं। तो सबसे फिजिकल एक्टिविटी में ये वाली चीज जो है ना, ये आई थिंक क्योंकि जब आप किसी पे डिपेंड करते हैं तो ऑब्वियसली जो सिस्टम जी जी ये सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, यहाँ पे हम साथ साथ कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं बिकॉज जो है सब क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। यहाँ पे सुहेब बिन अजीज कह रहे हैं इट्स रियली गुड टू सी यू सर इमरान, आपको सर बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कह रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, बड़े अच्छे से आप कर रहे हैं डिस्क्राइब। अच्छा इसके बाद जो है मोहम्मद उस्मान एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई गॉट क्वेश्चन, शादीशुदा लोग वाइफ के प्रेशर में डिप्रेशन की वजह से हफीज बन जाते हैं, उनकी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? हफीज HAF हफीज बन जाते हैं सर, कोई अपने वाइफ के प्रेशर में आके कोई चेंज इस तरह से होता है हफीज? पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो शादीशुदा लोग हैं वो क्या ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं? अभी ये जो एज ग्रुप है फिर उनको डील करना पड़ता है अपनी मैरिज को भी, फिर देन उसके बाद अपनी जॉब है, फिर अगर ऑलरेडी वो अगर फैमिली की तरफ से भी कोई ऐसी चीज फील कर रहे हैं जैसे कि अभी हम कह रहे थे कॉम्प्लेक्शन के हवाले से या कोई बॉडी शेमिंग ऐसी फील कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में जब वो एक वो बन जाते हैं ना वो ट्राइंगल की फॉर्म में बन जाते हैं, तो ये शादी के हवाले से भी कह रहे हैं कि जो शादी शुदा लोग हैं वो जब डिप्रेशन में जाते हैं विदाउट क्या अपनी वो वाइफ की वजह से, तो क्या ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देते हैं? देखें जिंदगी में जितने भी आपके महाज ज्यादा होंगे आपको उनको ज्यादा चीजों को मैनेज करना पड़ेगा और अल्टीमेटली आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। जो शादी हमारी सोसाइटी में, देखें शादी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। जो भी आपका वाइफ बन रहा है उसकी बेस पे आपकी सारी लाइफ डिपेंड करेगी और उसके ऊपर मोस्टली आपको तैयारी नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग मतलब वो उनके घर वाले ही उनका फैसला कर रहे होते हैं और वो देख ही रहे होते हैं कि क्या उनकी कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं है। एक बहुत ही शरीफ इंसान है, मतलब शरीफ इंसान इन द सेंस कि वो इंट्रोवर्टेड आदमी है और उसकी किसी एक्स्ट्रा वो बहुत ही सोशल किस्म के इंसान के साथ शादी हो जाती है तो दोनों खुश नहीं रह पाएंगे, तो उनकी लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। अब या तो ये है कि उसमें से एक बंदा कॉम्प्रोमाइज कर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे और दूसरे को भी अपनी पेस में अपने साथ लाने की कोशिश करे। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत ही एक वो लेंथी टॉपिक बन गया क्योंकि हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो यूथ के हवाले से है, क्योंकि हम इस पे ऊपर सेपरेट सेशन किया जा सकता है कि मैरिड लोग जो हैं वो किस तरह इसको डील कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक यू नो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जो इसके लिए बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड बात होनी चाहिए। सही बिल्कुल सही सर, जी जी सर, हम बात कर रहे थे देखें ये इस चीज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिप्रेशन को किस तरह फिक्स कर सकते हैं, तो मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा था। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के केमिकल्स हैं जो ब्रेन रिलीज करता है
डोपामीन और सीरोटोनिन। अच्छा, हम्म, ये जो एंटी डिप्रेसेंट हैं जब आप उनको लेते हैं तो ये भी वही काम करती हैं और इन दो केमिकल को बैलेंस करती हैं। और अगर आप 30 मिनट वॉक करते हैं रोजाना तो ये भी ये वाले केमिकल रिलीज करता है, ये बॉडी आपकी रिलीज करती है और आपको ये आपके जो ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स हैं ये उनको ये न्यूरोट्रांसमीटर उनको हिट करते हैं और आपको फील गुड फील होता है। आप तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही वर्थलेस फील कर रहे हैं। उनको चाहिए अपने कमरों से निकलें, बाहर जाएं, खुली हवा में सांस लें और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो वो करना, अगर तो वो कोई गेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप जब गेम कर रहे होते हैं आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है और आप इंटरटेन भी फील कर रहे होते हैं। अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप ये है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें तो इससे आपको बहुत अच्छा फील हो। नंबर टू पे जी हेल्दी डाइट। हमारी सोसाइटी में मसला ये बन चुका है कि हमने हर चीज का क्विक फिक्स ढूंढा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, वो फास्ट फूड खा रहे हैं, वो ऑयली चीजें ले रहे हैं या बहुत ही वो रिच शुगर कंटेंट ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ रहा होता है। तो हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में बहुत सारी रिसर्च हुई है और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये इस सिलसिले में काफी हेल्पफुल होता है डिप्रेशन के हवाले से, और ये फिश ऑयल से हासिल किया जा सकता है और इसके सप्लीमेंट भी मिलते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप फिश को यूज करें तो उससे भी आपको काफी मिकदार में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी जो ये फैटी एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें इनको एक्सटर्नली लेना पड़ता है। तो सम टाइम क्या होता है कि इनकी जो इम्बैलेंस है या इनकी जो डेप्रीवेशन है वो भी आपके मूड को खराब कर सकती है। तो ये हेल्दी डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खास तौर पे अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। हम लोग डाइट का ख्याल नहीं रखते और फिर वो क्या होता है कि अच्छा डिप्रेशन में का एक बहुत बड़ा जो रिजल्ट है वो है वेट गेन। बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, वो खाना ज्यादा खाते हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों की तो उनकी एपेटाइट खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज्यादा भूख लगती है, वो एक्सेसिवली खा रहे होते हैं और जब वो एक्सेसिवली खा रहे होते हैं तो फिर उनका वो अल्टीमेटली वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डिप्रेशन के रिजल्ट्स में जो आफ्टर मैथ है उसमें ये भी है कि लोगों का वेट बढ़ता है। तो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, इससे आपकी बॉडी पे बहुत ही एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। फिर है डोंट थिंक अबाउट पास्ट। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप। तो उसमें आपको ये होता है कि आपके रिलेशनशिप से एसोसिएटेड जितनी चीजें होती हैं आपको उनसे बिल्कुल डिटैच होना होता है। आजकल तो यूथ के बारे में ये कह दिया गया कि यूथ को तो आजकल असर ही नहीं है, ब्रेकअप्स का तो होता ही नहीं है असर, आफ्टर एवरी वन मंथ वो जो है वो भूल चुके होते हैं मूड सारा, ये भी यूथ के बारे में, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्या आप इससे एग्री करेंगे कि ये जो है टाइटल से दे दिया? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट है और बिल्कुल जनरलाइजेशन है जी के यूथ को असर नहीं होता। बिल्कुल असर होता है, देखें आजकल भी इंसान ही है, कोई रोबोट्स तो है नहीं। और अगर बहुत जल्दी रिलेशनशिप बन रहे हैं और ब्रेकअप हो रहे हैं लेकिन उसका अफेक्ट भी बहुत बैडली हो रहा है लोगों की जिंदगियों के ऊपर, उनके उनके थिंकिंग पैटर्न के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर फर्क आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर वो रिपीटेडली रिलेशनशिप में फेल हो रहा है तो इसका मतलब उसको लग रहा है कि वो वर्थलेस है। अल्टीमेटली लगना शुरू हो जाएगा मैं वर्थलेस हूँ, मेरी वर्थ नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे वैल्यू नहीं देते, मैं लोगों के साथ वफा करता हूँ लोग मेरे साथ वफा नहीं करते। तो ये बहुत ही बैडली इम्पेक्ट कर रहा है। तो इससे और ये डिप्रेशन की ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा बड़ी वजह जिसको लोग इग्नोर करते हैं, लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और इसको और खास तौर पे इस सिचुएशन में आपको अपने फ्रेंड्स की अपनी फैमिली मेंबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्यों आपको जो लोनलीनेस हेल्पलेसनेस और आपको वो जो टीयरफुलनेस फील हो रही होती है तो उसके लिए आप कोई ऐसा बंदा हो जो आपको फिजिकली कॉन्टेक्ट कर सके, आपको वो क्या कहते हैं वो जिस तरह वो कहते हैं जादू की जप्फी कोई डाले आपको और आपको आके वो आपको पता चलेगा यार मैं अकेला नहीं हूं, ये मेरी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लग गया, लाइफ विल गो ऑन।
तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इसका सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आपको अपने आप को, अगर फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको अपने आप को डिटैच करना चाहिए तमाम उन चीजों से, बजाय इसके कि आप फेसबुक पे जाकर स्टॉक करते रहें और जाके उनको फिर ढूंढने की कोशिश करें और अपनी जो सेल्फ एस्टीम को बार बार वो रौंदने की कोशिश करें, तो आपको उससे निकलना होगा। तो सम टाइम मोस्टली लोग खुद नहीं निकल पाते, उनको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो आपको कोई इंसान होना चाहिए जो आपकी बात सुने, आपको जज ना करे, आपका मजाक ना उड़ाए और आपको ये ना कहे क्या हरकतें करते रहे हो तुम। उस सूरत में वो बंदा वो उस चीज से निकल सकता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। फिर आ जाती है सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि 50-60% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं होता। और ये प्रूवन बात है कि जब हम किसी से सोशली बॉन्ड होते हैं लोगों, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। True. तो जब आप सोशली बॉन्ड होते हैं अपने दोस्तों में, अपने घर वालों के साथ वो गुलते मिलते हैं, रहते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो आपकी जो बॉडी है वो आपके जो रिवॉर्ड सेंटर है वहां एक वो गुड हार्मोन्स जो है वो इमिट करती है, तो आपको अच्छा फील होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो डिप्रेशन के लोगों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एडवाइस ये है कि वो कभी भी अकेला रहे, क्योंकि डिप्रेशन के सीवियर केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं और लोग सुसाइड के बारे में सोच सकते हैं। और ये बिल्कुल ये फैक्ट है और ये इस तरह दुनिया में बहुत बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जो करीब के लोग हैं उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। ये ना हो कि फिर आप पछताते रहें कि शायद हम यार टाइम दे देते, उसकी बात सुन लेते, बजाय इसके कि जब वो कुछ कर बैठे तो फिर आपके पास टाइम ना हो। तो ये चीजें हैं। अभी जो आपने 2-3 पॉइंट्स है ना, ये तो वाकई में इस पे कोई जोर नहीं देता कि क्या डाइट भी इतनी इफेक्टिव हो सकती है। कभी किसी ने जोर नहीं दिया कि जो स्पेशली आप बता रहे हैं जो फैटी एसिड्स के बारे में, ओमेगा फैटी एसिड्स और ये सब चीजें, तो कभी किसी ने नोटिस की ही नहीं कि हाँ इस वजह से भी कितना जो है आपकी पर्सनालिटी में और ये चेंज आ सकता है और आप डिप्रेशन की साइड पे नहीं जा सकते। यहाँ पे जो कमेंट्स में आप लग रहा है कि जो आवाम का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, सभी आपस में जो है बहुत जो है कर रहे हैं, अगर मैं सबके कमेंट्स पढ़ना शुरू हो जाऊंगी तो टाइम हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा। आप सब लोग जो मौज़ा मली हैं और असदुल्ला खान, सारे जो हैं इसमें बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं आपस में, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ और जिस तक जरूरी है सर से सवाल भी कर रही हूँ। अच्छा सर, अब क्योंकि हम प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा इसको जो है क्लियर जो एक हाँ मैसेज उसकी साइड पे भी जाएंगे। और हमने ये जान लिया कि इसके रीजन क्या होते हैं डिप्रेशन की, डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है। आप मुझे बताइए आपका अपना एक्सपीरियंस कि आप तो बहुत से ऐसे लोगों को डील करते हैं जो कि डिप्रेशन में हैं, क्या होता है नॉर्मली। हम ये भी मोर समझना चाहेंगे कि पर्सन खुद आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ और आपसे बात करते हैं, या उसके जो सर्कल में फैमिली एंड फ्रेंड्स लेके आते हैं, ताकि हमें ये भी जानने का मौका मिले कि क्या होता क्या है एक्चुअली, कि किस तरह से लोग आते हैं आपके पास। देखिए जी, एक्चुअली होता क्या है कि मैंने जो 3-4 केसेस देखे हैं तो वो लोग खुद ही आए हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड थे तो उन्होंने रابطہ किया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऐसे लोगों को बहुत इनकरेज करता हूँ कि सबसे पहले कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनको एक प्रॉब्लम है और उनको उस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। एक बंदे ने एक स्टेटमेंट दी कि आई हेट बीइंग अराउंड पीपल बट एट द सेम टाइम आई हेट बीइंग अलोन। तो इस तरह की मिक्स फीलिंग्स होती हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या वाकई हमें कोई मसला है भी या नहीं मसला है। तो बीइंग ए कंसल्टेंट तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमारी सोसाइटी में जो साइकाइट्रिस्ट या ये जो सेल्फ हेल्प कोच या इसका रुझान इसलिए बढ़ा है कि लोगों के पास कोई बात सुनने वाला नहीं। वो आपके फ्रेंड्स, आपके बहन भाई, इवन आपके बहुत क्लोज लोग भी जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको जज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये ट्रेंड बना है साइकाइट्रिस्ट का, सेल्फ हेल्प कोच का और ये इस तरह के लोगों का। हमारे पास एक्चुअली मैंने सम टाइम नोट किया है कि लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, लोग सिर्फ बात सुनाना चाहते हैं।
एक दफा क्या हुआ कि मेरे पास एक साहब आए, तो उन्होंने, नॉर्मली ये होता है हमारा 1 आवर का सेशन होता है, तो उसमें ये उन्होंने डिवाइड किया होता है कि 15 मिनट्स इंट्रोडक्शन होता है कि मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, उनका क्या एरिया ऑफ कंसर्न्स है और मतलब क्या प्रॉब्लम, फिर वो अपने क्वेश्चंस करते हैं वो, फिर उसके बाद क्या होता है 15 मिनट मैं उनको आंसर करता हूँ और फिर 10 मिनट का फॉलो अप होता है। तो वो 1 घंटा मुझे अपनी बात ही सुनाते रहे, तो मैंने कहा यार टाइम तो वैसे हो गया लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। वो कहते नहीं जी एक्चुअली मैं ना आपको सिर्फ बात सुनाना ही चाहता हूँ। तो देखिए ये कितना बड़ा अलमिया बन चुका है कि हमारे हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं रह गया। लोग आप डरते हैं बात करते। आप देखें कि हम बात कर रहे होते हैं, हम सेम टू सेम वैसी ही बात नहीं कर रहे होते, हम बात को सेंसर करके बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यार ये कितनी बात जो है ये इसकी कैपेसिटी है, ये बात को बर्दाश्त कर पाएगा और ये कितना मुझे जज करेगा, और पर आप क्या ये ये फिर देखिए मेरी ना बात सुनने के इसकी, बाद मुझको ताना तो नहीं देगा। सर इसकी ये देखिए ना रिसेंट जनरेशन गैप। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं आजकल देखें डिजिटल मोड हो चुका है, उनको नहीं पता समटाइम तो ये भी कि ये जो आजकल की यूथ है वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है। अगर वो ये चीज एग्जैक्टली शेयर करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो उसको समझ नहीं पाते, वो समझते हैं शायद ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और वो फिर क्या होता है कि यूथ वो डिस्कस करना ही छोड़ के उन्होंने तो हमारी बात समझ ही नहीं है। तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि वो यूथ की काउंसलिंग से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है? एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात की। देखें होता क्या है कि आजकल जैसे वो एक दोस्त ने क्वेश्चन भी किया था कि जो बच्चों को किस तरह से ये सोशल मीडिया से या मोबाइल कल्चर से दूर रखा जाता है। अब पेरेंट्स जो खुद हैं उनकी लाइफ बहुत ही वो बिजी हो चुकी है और उनके पास जो टाइम होता है तो वो अपने मोबाइल लेके बैठे होते हैं। अब जब बच्चा या बच्ची उनका छोटा उनके पास आता है, एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, मैंने जो पर्सनली तौर पे ऑब्जर्व किया है कि बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स के साथ वो खेलें, उनको वो टाइम दें, लेकिन वो होता क्या है कि वो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा ये लो मोबाइल पकड़ो इनसे खेलो, क्योंकि वो टाइम नहीं देना चाहते, क्योंकि वो क्वेश्चंस कर, अब बच्चा छोटा है उसमें क्यूरियोसिटी होती है, वो बार बार चीजों के बारे में सवाल कर रहा होता है। तो बाप क्या करता है, बजाय इसके कि मैं थका हारा आया हूँ मैं इसके सवालों का जवाब दूं इसके साथ खेलूं, वो पकड़ के मोबाइल पकड़ा देते हैं। और देखें वो मोबाइल पकड़ाता है कोई वो कोई 1 साल की एज से, और फिर वो बड़ा होने तक उसके हाथ में मोबाइल ही रहता है, फिर वो उनको भूल जाता है, फिर वो बाद में कह रहे होते हैं कि यार देखें जी ये तो आजकल की यूथ तो बहक गई है, ये तो सोशल मीडिया की तरफ चली गई है, मोबाइल की तरफ। भाई जान मोबाइल भी आपने खुद ही पकड़ाया था उनके हाथ। तो सब ये अब बात की बात बिल्कुल ठीक है, ये काउंसलिंग की बहुत जरूरी है, जरूरत है पेरेंट्स को। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे के साथ खुद पर्सनल डल्ज हो रहे हैं, आप जान रहे हैं उसको पढ़ा रहे हैं, अब क्या होता है छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पे लगा देते हैं, भाई आपको पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, मैथ में है साइंस में है इंग्लिश में है, और आप कहते हैं जी तुमने तो बड़े हो के वो डॉक्टर बनना है, और चाहे उसका जो एप्टीट्यूड वो तो आर्ट्स में हो वो अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हो, क्योंकि आपने कभी उसको पढ़ाया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या है, और आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो यही बनेगा। तो एक्चुअली पेरेंट्स की जो काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरत तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की, अगर पेरेंट्स की काउंसलिंग हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया ना होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, अगर हम चीजों को ओवरऑल देखें ओवरऑल ठीक करने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जाएंगी। तो एक्चुअली हमें यही समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम उस पर्सन में नहीं होता जो कि डिप्रेशन में गया है। एक्चुअली एनवायरमेंट, लोग, सोसाइटी, हर तरह के जो फैक्टर्स हैं मिलके उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं। तो इट मींस जी सबको जी अपने अपने बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल चेंज करने की जरूरत है और सभी को ये करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि डिप्रेशन से बचा जाए और कोई इसका शिकार ना हो। अच्छा सर, एक चीज जो है वो ये भी कि डिप्रेशन की वो कौन सी स्टेज होती है कि जहां पे आके बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है इंसान और जो सुसाइड के बारे में सोचता है? देखें एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन अगेन वेरी करेगा। अगर किसी बंदे के में सेल्फ लो सेल्फ स्टीम बाय बर्थ है, वो लो सेल्फ स्टीम है, या उसमें वो बचपन से ट्रॉमा से गुजरा हुआ है, या कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसकी फैमिली में जिसमें डिप्रेशन और ये मूड प्रॉब्लम है, तो उस बंदे में सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा होंगी बनिस्बत उस इंसान के जो एक जिसमें इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी। अब होता क्या है कि सम टाइम बहुत सारे लोग सिर्फ अगर फॉर एग्जाम्पल पिछले एक 2 साल पहले की बात है कि एक ये हमारी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली थी यूनिवर्सिटी में। तो उसका रीजन क्या था कि उसके जो साथ की जो क्लास फेलोज थी वो उसको बॉडी शेम करती थी,
बुलिंग करती थी। अच्छा, बहुत सारे केसेस में आप बंदा सोचेगा यार ये बुलिंग करने पे सुसाइड करने वाली क्या बात थी भाई, या फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ग्रेड कम आ गए तो किसी ने सुसाइड कर ली तो उसमें सुसाइड करने वाली क्या बात थी। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे होते हैं कि उनको बड़ा से बड़ा सहारा अभी उनके ऊपर से गुजर जाए, उन पर असर ही नहीं होता। और कुछ लोग बेचारे बहुत ही सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं कि छोटी सी बात को लेकर भी दिल पे बैठ जाते हैं। तो एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा या बच्ची बहुत ही सेंसिटिव नेचर का है तो आपकी उसे आपको उसकी एक्सट्रीम केयर करनी चाहिए। देखें, एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले उस पर है, उसके बाद उसके पेरेंट्स पे है। तो अगर तो वो देखें अभी वो अडल्ट नहीं बना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पेरेंट्स पे है। तो पेरेंट्स को इसको लुक आफ्टर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बिहेवियर को समझना चाहिए, उसके फ्रेंड्स कौन है उनको समझना चाहिए, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको समझना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। अगर वो और ये नहीं होता कोई ऐसे पहले दिन जाकर सुसाइड कर लेता है, क्या पता उसको कई दफा जब ये चीज फेस की हो, उसने किसी को बताने की कोशिश की हो और किसी ने उसको कह दिया हो यार इग्नोर करो ना ये बाप, ये तो ऐसे ऐसे तो चलता है, ऐसे तो होता है, ये तो नॉर्मल है। देखिए, आपके लिए नॉर्मल हो सकता है ना, उस इंसान के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता। अब आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं सुसाइड कर लेते हैं। अब आर्टिस्ट बेसिकली सेंसिटिव लोग होते हैं। अब बंदा सोचता है यार इसके पास तो सब कुछ था, इसने सुसाइड कैसे कर ली, ये कैसे ना शुक्रिया लोग हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आप नहीं समझ सकते। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की केयर करना शुरू करें, उनकी केयर करें, उनके जो मसाइल है सुने विदाउट एनी जजमेंट। एटलीस्ट अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आपके जो इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं, कुछ आपके बहन भाई हैं, उनकी केयर तो करें। अगर आप समझदार हैं, अगर आप किसी फैमिली में एक बंदा ज्यादा समझदार, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हजरत अली का कौल है कि एक अकल जो है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है बाकी बेवकूफों की भी। तो आपने उनको भी साथ लेके चलना होता है। अगर माशाल्लाह अल्लाह ने आपको अकल दे दी है, समझ आपकी अकल समझ बूझ दूसरों से ज्यादा है, तो आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि यार तुम लोग कैसा फील करते हो, ऐसा तो होता ही नहीं। तो आपको उनको भी लेके साथ चलना चाहिए ताकि आप उनको भी समझाएं और उनकी भी काउंसलिंग करें। देखें, काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत हमारी कोई भी, देखें मैं एज ए पर्सनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट और कैरियर कोच हूं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे ज्यादा बेहतरीन काउंसलिंग आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके सिबलिंग्स कर सकते हैं, आपके दोस्त कर सकते हैं। होता क्या है कि जब वो गैप आता है तो फिर वो हम लोगों के पास आते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि लोग इस बात को रियलाइज करें। बिल्कुल सर, आप मुझे आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे, और वाकई में जो ये कुछ ऐसे तो पॉइंट्स हैं उस पे तो कोई जो है गौर भी नहीं करती, और उनको बस बहुत ही छोटे से पॉइंट्स समझा जाता है कि अच्छा उनको तो निग्लेक्ट कर देते हैं, बट वो कितने इंपॉर्टेंट है किसी की, वो लाइफ सेविंग एक रीजन हो सकते हैं कि अगर हम उन पे फोकस करें। हमें पता ही नहीं चला और किस तरह से वन आवर गुजर गया, और अभी भी स्टिल बहुत कुछ रहता है, बहुत सी साइड्स ऐसी हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। तो सर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने टाइम निकाला, और हम जाने से पहले आपसे ये वादा लेंगे कि इंशाल्लाह आप अगेन भी हमें टाइम देंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी इसमें अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि वो जो मैरिड पीपल के लिए वो एक अलग साइड है वो डिस्कस करना, तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि आप अगेन हमें टाइम दें और देन हम किसी वो टॉपिक को जो वो डिप्रेशन की साइड है वो भी डिस्कस करें और आपसे गाइड लेंगे। थैंक यू सो मच पीएनवाई ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच कि उन लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस कर सकूं, और माशाल्लाह आपने ये जो सेशन है बहुत अच्छा कंडक्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, हमारी जो है खुशी है कि आज आपने हमें टाइम दिया। यहाँ पे आप सब देखने वालों से भी इसी बात के साथ इजाजत लेते हैं, और सर से हमने वादा ले लिया इंशाल्लाह जो है अगेन कुछ हम इनके साथ सेशन करेंगे डिजाइन, यहाँ से आप सबसे लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।